क्यों हिला दिया ना सारे शहर को? बस तुम ही एक बदनसीब थे जो मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, मेरी हर बात को बकवास समझते थे। हैं? मैं अपनी वही समझता हूँ। अरे अब तुम्हारी किसको परवाह है भाई प्यारे, बस सिर्फ एक हाँ की देर है, उसके बाद जिंदगी कट जाएगी आराम से। प्यारे कहीं ऐसा ना हो कि आधी जिंदगी आरजू में और आधी इंतजार में कट जाए। करेक्ट नॉट करेक्ट। अरे बाप रे, ये इतने हजारों की तादाद में आदमी अपनी बिल्डिंग में आ रहे हैं। तुम्हें हार पहनाने आ रहे हैं? अच्छा, तुमने काम भी तो बहुत बढ़िया किया है ना। करेक्ट, मैं अभी आता हूँ। ये आप लोगों को क्या तकलीफ है भाई? मैं तो ऑफिस हट जाइए। अरे भाई पीछे हट जाइए, ये ऑफिस है, हट जाइए ना पीछे। आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, मैं खुद पीछे हट जाता हूँ। अरे मुझे कुछ समझाओ तो सही। अरे कुछ तो मुंह से फूटो, फूलों के हार कहा? भाई फादर, कल उसने मुझे क्रीम का बाटली दिया था। कौन, मेरे? Yes, you. बाप, कल मार्केट में ये करने से जो मुझे मार पड़ी उसके तुम हो। कौन मैं? तुम। खैरिये मैं तेरा पूछ के आता हूँ। ये क्या हो रहा है? तुमको क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी कमी, अबे मुझे पत्थर बना दिया। मेरे पैर पे मत मार। तुम क्या सचमुच का मार गया मुझे? फूल लगा गुलाब का मारा। किशोर की पिटाई कर रहे हैं, यूं यूं और यूं यूं कर रहे हैं। जी यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलो चलो ना। सुनिए आप लोग, सब खामोश हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं जो कुछ भी कहूंगा आपके फायदे के लिए कहूंगा। देखिए ये जो आप सब यूं 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 कर रहे हैं ये टेंपरेरी है, चार ही दिन में ठीक हो जाएगा। इसका क्या सबूत है? जी आप? मैं बॉम्बे न्यूज के एडिटर के हैसियत से पूछ रहा हूं, मेरा नाम है मोनी चैटर्जी। जी ये देखिए, ये केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये रिपोर्ट बाद में पहुंची है और इससे पहले फेस क्रीम मार्केट में पहुंच गई है। जी
जी, ये गलती हम लोगों से जरूर हुई है। अगर ये रिपोर्ट में टेम्पोररी की जगह परमानेंट लिखा होता तो हर हालत में हमारी कंपनी जिम्मेदार थी, हमसे गलती हुई। देखा, विजय ने आपकी क्या इज्जत बढ़ाई है। हथकड़ी लगने में दो चार हाथ का ही फासला रह गया। अगर आपके लाडले ने यही करना है तो फिर हमें छुट्टी दे दी। हमारे ऊपर से ज्यादा आई। ये देखिए अंकल, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने क्या किया है। अभी तो सिर्फ हाथ टूटा है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, लेकिन अगर विजय आपको यूं ही बदनाम करता रहा तो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी का मुंह कौन देखेगा। ठीक तो है, देखिए अगर आप अब भी नहीं समझे तो जिंदगी भर पछताएंगे। ये विजय तो आपकी उम्र भर की कमाई और इज्जत उजाड़ने पर तुला हुआ है। मैं हर बात अच्छी तरह जानता हूँ, जो ठीक समझूंगा करूंगा। आप लोग चले जाइए। ठीक है, कहना अपना फर्ज था, कह दिया, जो आपका मन चाहे तो कीजिए। चल बे, चल चल चल। चाचा जी, आपने मुझे बुलाया। अंधेरी रातों में दिया क्यों जलाया जाता है? जी, रोशनी फैलाने के लिए। मगर पतंगे भी तो जल जाते हैं, फिर लोग दिया जलाने वाले की बुराई क्यों नहीं करते? इसलिए कि उसका मकसद किसी को जलाने के लिए नहीं था। अगर कोई खुद जल जाए तो इसमें दिया जलाने वाले का क्या कसूर? और ये सब पूछने का मतलब? मैंने भी तो लोगों की बदसूरती को खूबसूरती में बदलने के लिए इस क्रीम को मार्केट को भेजा था। अगर अनजाने में किसी को नुकसान पहुंच गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? लो, इसे पढ़ो। तुम्हारे इस बयान से मुझे कितना दुख पहुंचा है वो मैं ही जानता हूं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुमसे इतनी बड़ी गलती होगी। कंपनी की मेरी कितनी बदनामी हुई इसका अंदाजा कर सकते हो? यह बयान मैंने खुद जाकर नहीं दिया चाचा जी, एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा और मैंने सच्ची बात कही। वो झूठ जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे और अपनी इज्जत बच जाए, और झूठ के बोलने में हर्जी क्या है? झूठ फिर भी झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते। अपनी गलती को मान लेने में ही बढ़ाई है चाचा जी। ये सब किताबों की बात है, अमल कौन करता है? इस दुनिया को दुनिया की नजरों से देखने की कोशिश करो। यहाँ गलती मान लेने वालों को माफ नहीं किया जाता, सजा मिलती है, और यही सजा एक दिन इंसान को फरिश्ता बना देती है। विजय, मैं बहस करना नहीं चाहता। मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चल सके, मेरी इज्जत को पहचान सके। आज से तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। ठीक है, अब आपको मेरी वजह से कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं चाचा जी, अपने असूलों को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, जब तुम्हारे सपनों का शीश मैल टूट कर बिखर जाए तो वापस आ जाना। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे।